श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम सब जानते हैं कि 400 साल के बाद में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में। पूरे देश में एक उत्साह है, उत्साह की लहर है, तो सिरोही पीछे कैसे रह सकता है। और वही दृश्य हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, लेकिन आज एक सौभाग्य मिला है कि इस राम मंदिर को समर्पित सभी लोग एक साथ बैठे हैं। मौका बहुत अच्छा है, हमारे श्री रघुनाथ जी भाई साहब ने भी योगदान दिया है, बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है। थोड़ी सी मैं जानकारी जरूर बताना चाहूँगा इस सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से कि देवनगरी सिरोही राम मंदिर के कार्य में हमेशा से जुड़ा रहा है, लेकिन इस बार और बड़े जोश के साथ जुड़ रहा है। बहुत कमाल का दिन है। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कभी कभी मुझे भी लगता है, लेकिन मैं फिर भी सीधा कैलाश जी के पास आता हूँ। कैलाश जी भाई साहब, मोर्चा संभाल रखा है आपने, सब ने, थोड़ी सी जानकारी दें। ये जो अभियान है श्री राम जन्मभूमि जन जागरण अभियान है, बिल्कुल जैसा आपने बोला है, वर्षों से एक तमन्ना हिंदू धर्मावलंबियों के मन में थी जी, वो पूरा होने जा रहा है। जो एक सपना देखा था उसको साकार करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसा एक गांव में मंदिर बनता है तो संपूर्ण समाज मिल करके उस मंदिर को बनाता है, वैसे ये पूरे भारत का एक प्रमुख आस्था का केंद्र है, तो इसको संपूर्ण समाज मिल करके पूरे भारत में रहने वाले सभी हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं वो सभी धर्मालु, वो राम भक्त, वो मिल करके और अयोध्या में एक विश्व का एक सांस्कृतिक केंद्र बने, ऐसा एक प्रतिष्ठा उसको देने वाले हैं। कर्ण का सहयोग दे या मण का सहयोग, राम काज में गिलहरी का भी सहयोग था, राम काज में हनुमान जी का भी सहयोग था। जो गिलहरी का सहयोग करे उनसे भी लेंगे और जो हनुमान की तरह जो सहयोग करे उनका भी लेंगे। उसी आज क्रम में श्री रघुभाई के पास में हम सब लोग यहाँ आए थे और ऐसे ही नगर में हम सब जगह भी जा रहे हैं, टोलियां घूम रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मिथी साहब प्रणाम आपको, पूरा तन मन सब समर्पित आपका, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो राम मंदिर नहीं है, ये एक राष्ट्र मंदिर है, ये भारत की अस्मिता का एक प्रतीक है जी। और जो पिछले 492 वर्ष का जो संघर्ष था उसके लिए जो लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, तो हम तो एक उसमें एक गिलारी के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। और ये एक राम मंदिर नहीं होगा, एक इस देश का बहुत बड़ा गौरवशाली विश्व का प्रतीक बनेगा, ये राष्ट्र मंदिर बनेगा। और इसके लिए हम हर व्यक्ति से, छोटे से छोटे से और बड़े से बड़े, सबका योगदान इसमें हम ले रहे हैं। और सिरोही जिले के हर गांव तक जाएंगे, हर घर तक जाएंगे, जो सहयोग हम जितना कर सकता है उसकी क्षमता से उतना उसका सहयोग लेंगे। बिल्कुल गिलहरी प्रयास भी। रघुभाई साहब, सर आप क्या कहेंगे, आपका परिचय? चेताराम हिंदू जागरण मंच, हिंदू जागरण मंच का प्रांत अध्यक्ष हूँ जी जी। और राम के मंदिर के मतलब 500 वर्ष के संघर्ष के बाद में सौभाग्य हमारा कि हमारे जीवन में हो रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और मेरे लिए विशेष सौभाग्य की बात यह है कि ब्रांडवे में कार सेवा करने का भी अवसर मला, इसलिए मैं विशेष सौभाग्यशाली हूँ। जय श्री राम। राम काज की ने बिनु मोही कहां विश्राम। भाई साहब आपका स्वास्थ्य भले ही नरम है, गरम है, ठंडा है, जैसा भी है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। मैं आपको नमन करता हूँ, आपने आज बहुत अच्छा सहयोग दिया। देखिए, मैं सहयोग देने वाला कोई नहीं हूँ, मैं कौन होता हूँ, मैं तो ईश्वर का नौकर हूँ। ये अहंकार सुनने, उन्होंने मुझे दिया और मैंने इधर से इधर दिया है, मैं तो एक उनका मुनीम समझ लीजिए या और जो भी समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें भी मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं पूरे जिले वासियों से भी अपील करता हूँ और मैं सभी जिले वासियों से और सभी भाइयों से, सभी माताओं से, बहनों से यही कहना चाहूंगा कि आप भी तन मन और धन से, क्योंकि ये हमारा जब रामचंद्र जी भगवान और उनका मंदिर बन रहा है, कितने वर्षों से एक सपने पूरे हो रहे हैं, तो आप भी दिल खोलकर तन मन से जितना हो सके आप सहयोग करें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जन्म जन्म मुनि यतन करा वही अंत राम का पावत नहीं। शंकर जी भाई साहब, आप तो जहां हाथ डालते हैं वहां काम हो जाता है, इस बार भी बड़े जोश में है। जय श्री राम। अभी क्या का अभी तक कितना पूरे संकलन हुआ है पूरे देश के अंदर, जो भगवान प्रभु श्री राम के अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण का जो काम चल रहा है,
और उसके निमित्त पूरे देश में जो आयोजन हुआ है इस धन संग्रहण का, ये निधि संग्रहण का जो आयोजन है, उसमें सिरोही के अंदर भी इस प्रकार का आयोजन हुआ और बहुत व्यवस्थित तरीके से हमारा जो ये मोहल्ला है भाटकड़ा जिसको बोलते हैं, अलग अलग 15 बस्तियों में पूरा सिरोही विभाजित है, उसमें एक बस्ती हमारी भाटकड़ा बस्ती है। इस बस्ती के अंदर हम पिछले 3-4 दिन से लोगों से संपर्क करके काम कर रहे हैं, लोगों का उत्साह अपरंपार है, बहुत दिल खोल करके एक ही आवाज के अंदर हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ही मैसेज उनके पास चले जाते हैं और उसका परिणाम हमारे सामने ये सुखद है कि वो सीधे ही चेक काट करके और भगवान राम जी के नाम से जी जी। आज भी आज हम सब लोग या जितने लोग आपके पास सामने बैठे हैं, इनमें हमारे कैलाश जी और कैलाश जी भाई साहब को छोड़ के ये सारे के सारे इस भाटकड़ा बस्ती के कार्यकर्ता है जो पूर्ण समर्पित भाव से इस काम के अंदर लगे हुए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे देश के अंदर पूरा हिंदू जागृत है और सब लग रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर पूर्व सभापति जी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में जो राम मंदिर के लिए लोगों में उत्साह है, ये उत्साह मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा। आज घर घर से बुला करके लोग कह रहे हैं कि आओ मेरे पास भी जो भी है वो लेके जाओ, राम के नाम से हम चंदा देने के लिए तैयार। आज सिरोही में तो बहुत जबरदस्त चल रहा है, हर कार्यकर्ता ढूंढ रहा है, घूम रहा है और लोग भी बुला बुला करके चंदा दे रहे हैं। तो भव्य हमारा राम मंदिर बन जाए और हमें भाग्य कृपा मिल जाए। बिल्कुल भाई साहब, आप क्या कहेंगे? आप सब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पंती भाई साहब दो शब्द आप भी बोले। बस मैं तो मेरे सभी हिंदू भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि एक सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है, कि आज की तारीख में जो राम मंदिर बनने जा रहा है वो पूरे राष्ट्र के लिए बड़े गर्व की बात है और भामाशाहों ने दिल खोल करके उनमें सहयोग किया है और सभी से कहता हूँ कि दिल खोल के उनको सहयोग कीजिए। वो अपना है, राम अपने है, अपना राम के है। चलिए बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब, मैं आपको जरूर प्रणाम कर दूं। आप प्रेरक हैं हमारे श्री रघुनाथ जी भाई साहब के। कैसा लग रहा है आपको आज? बढ़िया है। चलिए क्या कहेंगे आज? जय जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या तो जाना पड़ेगा आपको? दो बार जाके आई। अच्छा, दो बार जाके आ गए? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। क्या बात है, वाह वाह वाह, हमारा राम, जय जय श्री राम। हमारे आदरणीय रघु भाई साहब जिन्होंने थोड़ा विश्राम का सोचा है, तो सुमन जी तैयार है। सुमन जी क्या कहेंगे, आज आपने सहयोग दिया है राम मंदिर के लिए? जी हम बहुत 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 आभार है कि हमें ये मौका मिला कि श्री राम भगवान के मंदिर में आज हमारा परिवार उसमें कुछ योगदान कर सका। हम बहुत ही खुश नसीब है, यह पीढ़ी सबसे ज्यादा खुश नसीब है कि हम राम जी का मंदिर देखेंगे, दर्शन करेंगे। क्या बात, और बचपन से यही सुनते आए है कि चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, जय श्री राम। आपने तो रोंगटे खड़े कर दिए हमारे, बहुत बड़ी गंभीर बात कही है सुमन जी। आपको बहुत शुभकामना, पूरे परिवार को शुभकामना। मातृशक्ति सच में आगे है और हमारे रघु भाई साहब के लिए तो बहुत सारे शब्द बोले जा सकते हैं। जननी जने तो भक्तन के दाता के सूर, नहीं तो रजे बांजरी मती कमाएं जरूर। और मैं अंतिम एक माता जी के दर्शन के साथ और उन महापुरुष के दर्शन के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ, जिनकी प्रेरणा से ये फल फूल रहा है पूरा परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता जी की।